Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ दिस इज माय लेक्चर नंबर फोरटीन और प्रस्तुतिकरण का विषय है मैं स्टेट की लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति एवं नागरिक अधिकार ये मेरे क्रिमिनल लॉ का लेक्चर नंबर फोर्टीन है जिसमें मैं, मैं uh, पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट को क्या पावर दी गई है सीआरपीसी के अंतर्गत उस पर चर्चा करेंगे तो इस व्याख्यान के अंतर्गत तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनको समाज में पब्लिक आर्डर और पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए क्या क्या पावर दिए गए हैं जहाँ पर एक तरफ भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों को लोकतांत्रिक मांगों को सरकार के समक्ष रखने का अधिकार प्रदान करता है भारत के नागरिकों को सभा सम्मेलन जुलूस निकालने का अधिकार प्रदान करता है वहीं पर दूसरी तरफ राज्य को भी संविधान के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किया गया है कि समाज में लोक व्यवस्था बने रहे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे शांति व्यवस्था बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए जब नागरिक अधिकारों और लोक अधिकारों में कन्फ्लिक्ट हो गतिरोध उत्पन्न हो तो लोक अधिकार को पब्लिक राइट को महत्व दिया जाए यदि व्यक्तियों के द्वारा उपयोग किए गए उनके मौलिक अधिकार से शांति भंग होने की संभावना है लोक व्यवस्था भंग होने की संभावना है राज्य की सुरक्षा संकट में है तो ऐसी स्थिति में राज्य का भी यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है बल प्रयोग कर सकता है जिससे समाज में लोक व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी रहे तो इन दोनों प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार और लोक अधिकार में पब्लिक राइट में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए संतुलन बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 से लेकर के 116 सो तक के जो प्रावधान हैं वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं अब उसको देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वह किस सीमा तक बल प्रयोग करने का आदेश दे सकते हैं यदि विध विरुद्ध जमाव होता है तो विध विरुद्ध जमाव के को डिस्पर्स करने के लिए कितना बल प्रयोग कर सकते हैं सिविल बल प्रयोग कर सकते हैं या सैन्य बल प्रयोग कर सकते हैं इन सभी बातों का अध्ययन धारा 107 से लेकर के 116 सो तक में किया जाएगा जो हमारे पब्लिक पीस मेंटेन पब्लिक ट्रेंकुलिटी मेंटेन करने के लिए लोगों से नागरिकों से सदाचार की गारंटी या उनसे बंधपत्र निष्पादित करवाया जा सकता है कि वे इस बात की गारंटी दें कि उनके द्वारा या उनके लोगों के द्वारा समाज में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी स्क्रीन के माध्यम से आप ये देखें मैंने इस पीस कीपिंग प्रोविज़न को सीआरपीसी के की धारा 108 से 110 को पहले एक भाग में क्लासिफाई किया है लिखने का प्रयास किया है कि सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभू धारा एक सौ किस प्राधिकारी को ये पावर दिया गया है मैंने एक ही जगह लिखा हुआ एस डी और डी को अपनी स्थानीय अधिकारिता में यदि सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा स्टेटमेंट देता है जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है या धारा दो सौ पंचानबे को आई के अंतर्गत भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है तो ऐसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पर या व्यक्तियों पर से बंधपत्र बांड भरवाया जा सकता है किसके द्वारा इसी डी और एडीएम के द्वारा कितना वह प्रतिभू सहित हो सकता है विथ स्योरिटी हो सकता है विदाउट स्योरिटी हो सकता है मैक्सिमम एक वर्ष के लिए उनसे इस बात की गारंटी ली जा सकती है उनसे वचन लिया जा सकता है कि आप और आपके लोगों के द्वारा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाएगा और शांति भंग यदि की जाती है तो न केवल ये बंधपत्र जो है जब्त होगा बल्कि आप सभी के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तो अब ये देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों से सदाचार की गारंटी गुड बिहेवियर टू इन ऑर्डर टू कीप गुड बिहेवियर इन ऑर्डर टू मेनटेन गुड बिहेवियर सदाचार की प्रतिभूति कौन लेगा कौन गारंटी लेगा तो यह डीएम है ये एस है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कार को यह पावर दी गई है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यदि ये सूचना प्राप्त होती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति जो राजद्रोह फैलाने का प्रयास कर रहा है ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो सरकार के विरुद्ध है जो सरकार के प्रति वैमनस्यता सरकार के प्रति डिसलॉयल्टी शो कर रहा है ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो दो धार्मिक संप्रदायों में दंगे भड़काने का काम कर सकता है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करता है ऐसी स्थिति में कार्यपालक में सेट ऐसे व्यक्ति से सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित कर सकता है कि जो अधिकतम एक वर्ष तक के लिए हो सकता है ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनसे बंधपत्र लेगा और बंधपत्र में समय सीमा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि एक महीने की गारंटी लेने से काम हो जाएगा दो माह की तीन माह की छः माह की गारंटी लेने से इनसे प्रतिज्ञा कराने से बंधपत्र लेने से समाज में शांति व्यवस्था बनाई रख की जा सकती है मैक्सिमम जो टाइम लिमिट दिया गया है एक वर्ष तक का दिया गया है अब एक वर्ष तक के भीतर कभी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से बंधपत्र निष्पादित करवा सकते हैं कि वह इस बात का बंधप्रत प्राधिकारी को दें कि उनके द्वारा समाज में सदाचार जीवन व्यतीत किया जाएगा उनके द्वारा शांति भंग नहीं की जाएगी ऐसी स्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे लोगों से शांति बनाए रखने के लिए सदाचार की गारंटी लेता है जिसे हम प्रतिभू के माध्यम से वह बंधपत्र प्रतिभू सहित हो सकता है प्रतिभू रहित हो सकता है प्रायः आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जेल के बाहर रहना या जिनका मात्र उपस्थिति होना वह समाज में एक शांति व्यवस्था भंग करने शांति व्यवस्था के लिए एक प्रश्न खड़ा कर सकता है तो ऐसे व्यक्तियों से एहतियात के तौर पर ही कि शांति भंग न होने पाए प्रिवेंटिव पहले ही उनसे इस बात का वचन ले लिया जाए उनसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाए उस बॉन्ड बंधपत्र के माध्यम से इस बात की वह गारंटी दें एस को या डी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि न तो वे न उनके लोगों के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा जिससे दो दो धार्मिक संप्रदायों में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया जाएगा ये एक बंधपत्र उससे निष्पादित कर दें अगर यदि देखते हैं कि यह अपराध इतना गंभीर प्रकृति का है तो इसमें हम बंधपत्र निष्पादित करें गारंटर लें प्रतिभू लें स्योरिटी के साथ करें और लगता है कि ये व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से मात्र विदाउट सेरिटी बिना प्रतिभू के ही चल जाएगा तो उनके व्यक्तिगत बंधपत्र पर भी प्राधिकारी के द्वारा सदाचार बनाए रखने की बांड उनसे भरवाया जा सकता है एग्जीक्यूट कराया जा सकता है तो इसका उद्देश्य मैंने बताया कि केवल और केवल समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सरकार की प्रथम प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रखे इसलिए वह कोई भी अप्रोप्रिएट कदम उचित कदम सरकार उठा सकती है उसी प्रावधान के तहत ये पावर मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं पीस कीपिंग प्रोविज़न जो है पीस कीपिंग पावर है वह मजिस्ट्रेट को दिया गया है इन धाराओं के अंतर्गत अब स्लाइड पे देखते हैं कि दो धाराएं इसमें आप दिया है मैंने लिखा है सेक्शन वन जीरो नाइन एंड सेक्शन वन टेन तो धारा एक सौ नौ के अंतर्गत आप देखें संध्यास्पद अपराधी के विषय में मेरी सूचना एस डी एम को प्राप्त हो ऐसे व्यक्ति से सदाचार बनाए रखने के लिए एक वर्ष के लिए सहित या प्रतिभू रहित बंद ले सकता है अब दो धाराएं हैं धारा एक सौ नौ एक सौ नौ एक सौ दस में हैबिचुअल है जो ऑफेंडर हैं जो पेशेवर अपराधी हैं पेशेवर अपराधी के विषय में किसी एस डी डीएम डी एम को अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर सूचना प्राप्त हो कि व्यक्ति लुटेरा या चोर है जो उनकी स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में वो रह रहा है निवास कर रहा है वह हैबिचुअल चोर है वह पेशेवर लुटेरा है या चुराई हुई संपत्ति वो रखने में कई बार वह दोषी किया है जेल जा चुका है तो ऐसे व्यक्ति से सदाचार का बंधपत्र प्रतिभू सहित लेगा गारंटर लेगा क्योंकि हैब्युचुअल ऑफेंडर्स हैं और स्क्रीन पर आप देखें कि इनसे जो गुड कंडक्ट की जो गारंटी ली जाएगी ऐसे हैब्यूचुअल ऑफेंडर से जो सदाचार के बंधपत्र लिया जाएगा वह बंधपत्र तीन वर्ष के लिए लिया जाएगा मैक्सिमम इसमें मैंने लिखा हुआ है तीन वर्ष के लिए सर वो उनसे बंधपत्र निष्पादित कराया जाएगा एरो बना करके मैंने देखा कि ये सेक्शन वन और वन का जो इफेक्ट किया है नॉन कंप्लायस यदि बंधपत्र का भंग किया जाता है तो बंधपत्र का भंग किया जाना धनराशि पूरी की पूरी धनराशि संप्रहित कर ली जाएगी और उसके लिए आपराधिक अभियोजन भी चलाया जा सकता है जो बांड भराया है जो बंधपत्र भराया प्रतिभू सहित है, है। बंधपत्र की जो धनराशि है वह जब्त कर ली जाएगी फोरफीट कर ली जाएगी कब जब उस बंधपत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि धारा एक और एक में जो प्रावधान दिए गए हैं आप इसको देखें जो पेशेवर अपराधी हैं पेशेवर अपराधियों को निगरानी रखने के लिए पेशेवर अपराधी इस बात का बंधपत्र दें कि वे समाज में सदाचारी जीवन व्यतीत करेंगे और ऐसा कोई भी एसडीएम जो अपने सब डिवीजन में पाता है कि उसे सूचना प्राप्त होती है कि उसके सब डिवीजन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पेशेवर लुटेरे हैं चोर हैं वह दो सिद्ध हो चुके हैं और पुनः उसी सब डिवीजन में रह रहे हैं तो उनसे इस बात की प्रतिबंधपत्र ले सकता है कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत सदाचारी गुड कंडक्ट मेंटेन करेंगे और मैक्सिमम तीन वर्ष तक के लिए बंध पथ लिया जा सकता है कि तीन वर्ष के भीतर अगर कभी भी उनके द्वारा उसी अपराध की पुनरावृत्ति की जाएगी तो जो बांड की जो अमाउंट ऑफ बांड है जो बंधपथ की धनराशि है वह जब्त कर लिया जाएगा और उसके लिए उनके तो यहाँ पर देखें कि इस तरह से इनको जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं मैक्सिमम तीन वर्ष का समय दिया गया प्राय प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि पेशेवर अपराधियों के विषय में सदाचार की जो अवधि है एक वर्ष के लिए प्रतिभु की जो सदा पत्र अधिकतम एक वर्ष के लिए तीन वर्ष के लिए या कितना कितने वर्ष के लिए उनसे सदाचार बनाए रखने के लिए पत्र निष्पादित कराया जा सकता है तो टाइम पीरियड उसको याद रखें एक वर्ष अथवा तीन वर्ष का अब इसके पश्चात देखते हैं प्रारंभिक जांच का किया जाना स्क्रीन पर आप देखें कि जब मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 107 धारा 108 धारा 109 या 110 के अधीन कार्रवाई करनी हो तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना का सार ऐसे व्यक्ति को लिखित में देगा बंद पत्र में धनराशि का उल्लेख करेगा प्रतिभुओं की संख्या धारा 100 अधीन के अंदर उल्लेख करेगा ये समस्त कार्रवाई जो है वह सेक्शन 111 के अंतर्गत यह पावर दिया गया है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 107, 108, 109 या 110 के अधीन कार्रवाई जब भी करनी हो वह कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि उसकी एक प्रारंभिक जांच न कर ली जाए और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना का जो सार है ऐसे व्यक्ति को लिखित में देगा जो सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वह उस सब इन्फॉर्मेशन की सब्सटेंस को उस अभियुक्त को जिससे वह बंधपथ एग्जीक्यूट करा रहा निष्पादित करा रहा है उसकी एक कॉपी भी देगा जो बॉन्ड में अमाउंट है धनराशि है उसका भी उल्लेख करेगा कि बंधपत की धनराशि कितनी है यह सेक्शन 111 में ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उल्लिखित करना आवश्यक है प्रतिभाओं की संख्या क्या कितनी होगी गारंटर कितने हैं एक हैं दो हैं तीन हैं यह भी धारा एक के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रतिभाओं की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है अब इस धारा 111 के जहां के एक के अंतर्गत तो जहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ऊपर एक दायित्व द्रोपित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सदाचार बनाए रखने के लिए दिया गया बंधपत्र उसकी धनराशि कितनी है कितने उसमें प्रतिभू हैं गारंटर नंबर आप गारंटर कितने हैं नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितने हैं उसका स्पष्ट उल्लेख होगा और इस धारा का अनुपालन न करना वह कार्रवाई को दूषित बना देगा निश्चित रूप से उसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि यदि सूचना का सार लगाए गए आरोप का सार लगाए गए आरोप की सूचना यदि अभियुक्त को नहीं होगी तो न्यायालय में वह उसकी लीगलिटी या इलीगलिटी को चलेंज नहीं कर सकता इसलिए आवश्यक है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब भी धारा 107 से लेकर 110 तक की कार्रवाई करे तो इन्फॉर्मेशन किस आधार पर वह उससे बांड एग्जीक्यूट कराने जा रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस ग्राउंड को जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए और जैसा कि मैंने धारा 111 के अंतर्गत बताया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक है इन सब बातों को संसूचित करना अब ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना लिखित सूचना दिए हुए बिना आधार को संसूचित किए हुए अगर बंधपत्र निष्पादित करा लिया जाए तो निश्चित रूप से वह कार्रवाई उस कार्रवाई की वैधता को लीगैलिटी को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 111 धारा 107 से लेकर 110 तक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में उसकी वैधता को लीगैलिटी को न्यायालय में चुनौती व एग्रीड पार्टी व एग्रीड पक्षकार दे सकता है दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया कि बंधनपत्र में यदि धनराशि अधिक है बांड का अमाउंट यदि ज़्यादा है तो ऐसा व्यक्ति उस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है कि जो अमाउंट ऑफ बांड है वह बहुत एक्सेसिव है बहुत ज़्यादा है इसको न्यायालय रिड्यूस कर दे तो ऐसी स्थिति में यदि अपीलेट कोर्ट या हायर कोर्ट यदि ये या संतुष्ट हो जाता है कि बांड की अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाए तो बन के धनराशि को भी कम किया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया बेल बांड जैसे बंधपथ जब हम जमानत बंधपथ लेते हैं तो धारा चार सौ इकतालीस सी आर पी सी में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के द्वारा कोर्ट के द्वारा यहाँ तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर धारा चार सौ इकतालीस के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय को पावर दिया गया है कि जब कभी भी आपराधिक न्यायालय अभियुक्त को बंधपत निष्पादित करने के लिए बहते हैं तो बंधपत निष्पादित करते समय अभियुक्त के आर्थिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाए कि इतना ज़्यादा बंधपथ की धनराशि न कर दिया जाए कि बंधपथ के धनराशि जमा न करने के कारण वह जेल में ही हमेशा जेल में ही पड़े रहें तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा बांड का जो अमाउंट है वह अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि किस पृष्ठभूमि से आता है इसको ध्यान में रखते हुए उस अमाउंट को डिसाइड करना चाहिए तो ये भी एक केस हमने मैं आपको केस बताया होगा जब मैं सीआरपीसी का धारा चार क्लास ले रहा था उस हेड में मैंने इसको बताया था कि मोती राम एसोस्टेट ऑफ एम पी केस में एक का एक मेंशन था एक राजगीर मिस्त्री था उसके द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में उसके ऊपर उन्नीस सौ नाइनटीन सेवेंटी फाइव का केस है नाइनटीन सेवेंटी सिक्स का उस नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने दस हज़ार रुपये का उसमें बेल बांड भरवाया था एक राजगीर मिस्त्री के लिए 1975 का दौर 1975 का दौर और दस हज़ार रुपये का बंधपत्र भरवाना यह निश्चित रूप से बेल के ऑब्जेक्ट को निष्फल करने जैसा है तो हम बंधपत्र के धनराशि को इतना भी अधिक न कर दें कि अभियुक्त जो जो व्यक्ति है जिससे हम गुड कंडक्ट मेंटेन करने के लिए बॉन्ड भरवा रहे हैं अमाउंट यदि ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वह उतनी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी ना हो कि बंधपत्र की धनराशि को जमा न कर पाए तो धनराशि जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वह भी धारा एक के अंतर्गत एस और ए के द्वारा डिस्क्लोज करना आवश्यक है अब स्क्रीन पर आप देखें मैंने धारा मैंने प्रारंभिक जांच की बताई थी जब बाद एक इस पर केस मधु लीमय वर्सेज एस डी एम मुंगेर ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी सुप्रीम कोर्ट का बहुत लीडिंग केस है इसमें मधु लीमय का केस और ये सेक्शन वन ट्वेल्व मजिस्ट्रेट के द्वारा यह आदेश की सूचना व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाएगी इसका पालन न करना कार्रवाई को अवैध और दूषित होगा यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए या वारंट जारी किया जा सकता है अब इस सेक्शन वन ट्वेल्व के अंतर्गत देखें धारा एक सौ बारह के माध्यम से मजिस्ट्रेट पर यह एक ड्यूटी इम्पोज की गई है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू टू रीड द इन्फॉर्मेशन इन द प्रजेंस ऑफ एक्यूज उस व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी सूचना को पढ़कर सुनाया जाएगा और ये बताया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि तुम्हें इस आरोप में तुमसे उस व्यक्ति से इस आरोप में सदाचार की प्रतिभूति ली जा रही है और उस सूचना का मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा न बताया जाना यह धारा एक का उल्लंघन माना जाएगा और वह जो प्रोसीडिंग है वह प्रोसीडिंग अपास्त किए जाने योग्य होगी इरेगुलर भी होगी और शून्य किए जाने योग्य भी हो जाएगी इलीगल मानी जाएगी जहां पर किसी भी व्यक्ति को धारा एक से लेकर के 110 तक के अंतर्गत जो कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को करनी है उस कार्रवाई को डिस्कलो ग्राउंड को डिस्क्लोज न करना और उसके आरोपों को उसके उपस्थिति में पढ़कर सुनाया और समझाया न जाना या पूरे प्रोसेस को पूरी प्रक्रिया को वह अवैध बना देगा तो इसलिए धारा एक की बातों को भी ध्यान रखते हुए आ, करना अब आरोप या सूचना की सत्यता की जांच करना शांति भंग की आशंका की स्थिति में शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए ली गई प्रतिभूत की सत्यता की जांच करना धारा एक सौ सोलह नागरिक अधिकारों की संरक्षा के लिए मैंने इसमें दो धाराएं लिखी हैं संविधान के दो प्रावधान लिखे हैं आर्टिकल नाइनटीन वन ख आर्टिकल नाइन्टीन वन घ अब सेक्शन वन सिक्सटीन में देखें कि कब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो शांति भंग की आशंका की स्थिति में सदाचार बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी लिया है वह सत्य है या असत्य नहीं है इसकी जांच के लिए उसको पावर दिया गया है प्रायः यह देखने में आता है कि आप देखें जब कभी बांड पत्र भरवाया जाता है तो जो स्योरिटी लेते हैं जमानत लेते हैं वह प्रोफेशनल स्योरिटी होते हैं पेशेवर स्योरिटी होते हैं किसी भी अपराध में उनको किसी भी जिले में स्योरिटी लेना है गारंटी लेनी है प्रतिफू लेना है वह अपने एक ही डॉक्यूमेंट को दस न्यायालयों में दस जगह पर लगाते हैं इसे रोकने के लिए भारतीय संसद के द्वारा एक संशोधन किया गया सीआरपीसी में भी कि अब प्रत्येक प्रतिभू को न्यायालय के समक्ष प्राधिकारी के समक्ष इस बात का उल्लेख करना बाध्यकर होगा कि इसके पूर्व उसने किन किन प्रकार के अपराधों में किन किन लोगों की सिक्योरिटी प्रतिभूत के रूप में न्यायालय में खड़ा हुआ है जिससे कि जो पेशेवर प्रतिभू हैं पेशेवर जमानतदार हैं उन पेशेवर जमानतदार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी पेशेवर जमानतदार से तात्पर्य यहाँ पर यह, उन व्यक्तियों से है जो पैसा लेकर के अभियुक्त के पक्ष में जमानतदार के रूप में गारंटर के रूप में न्यायालय में खड़े होते हैं एक परंपरा बनी रही देखा गया सर्वे सर्वे के माध्यम संरक्षण के माध्यम से कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी तरफ से उनकी गवाही लेने के लिए जमानत उनके पक्ष में गवाही देने के लिए पेशेवर जमानतदारों की लिस्ट हुआ करती थी और वे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पैसा ले ले करके अभियुक्त के पक्ष में अपराधियों के पक्ष में गारंटी जमानत लेते थे न्यायालय में जा जा करके तो इसे रोकने के लिए प्रयास किया गया कि जो पेशेवर जमानतदार हैं उनको उन पर कैसे अंकुश लगाया बंदिश लगाई जाए इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया कि अब वह डिस्क्लोज करें कि, कि किन किन मामलों में किन किन लोगों के समक्ष और किन किन अपराधों में उन्होंने अभी तक किसका जमानत लिया है तो इसे निश्चित रूप से पेशेवर जमानतदार पर रोक लगेगा अब इसको देखते हैं ये तो हो गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास पावर सदाचार बनाए रखने के लिए अब आते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को स्क्रीन पर देखें मैंने एक लिखा है कि जो अनलाफुल असेंबली है इसको हिंदी में लिखा है विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए आदेश अनलाफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए आदेश पहले ये समझना है कि कब किसी असेंबली को जमाओ को अनलाफुल कहा जाएगा विधवरुद्ध कहा जाएगा और अगर जैसे ही जमाओ विधवरुद्ध होता मैं इसकी स्कूल पर ऐसे लिखूं कि लाफुल लाफुल असेंबली और कैसे ये अनलाफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है तो देखिए कोई भी जमाव जो पहले विधिपूर्ण जमाव था लाफुल असेंबली थी दैट लाफुल असेंबली में बी कन्वर्टेड इन वन अन असेंबली एट दैट वेरी मोमेंट वेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली बिकम्स अनलाफुल जैसे ही उस असेंबली का ऑब्जेक्ट है वो अनलाफुल हो जाए वैसे कोई भी शांतिपूर्व जो लाफुल असेंबली है विधिपूर्ण जो जमाव है सभा है वह उसी क्षण अवैध जमाव में कन्वर्ट हो जाएगा तब्दील हो जाएगा जैसे ही उस जमाव का उद्देश्य विध के विरुद्ध हो जाए और विध के विरुद्ध जमाव उस असेंबली का जमाव का उद्देश्य विध विरुद्ध कम माना जाएगा ये भारतीय संहिता की धारा 141 के अंतर्गत वे परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में लाफुल असेंबली जो विध विरुद्ध जमाव है उसका उद्देश्य यदि धारा 141 में बताए गए परिस्थितियों में से किसी छह परिस्थितियों में से उसका अगर एक ऑब्जेक्टिव हो जाए उद्देश्य हो जाए तो उस विधि वृद्ध जमाव का उद्देश्य वो अनलाफुल असेंबली मानी जाती है विधि वृद्ध जमाव माना जाता है मैंने बताया कि सेक्शन 141 फोर्टी के अंतर्गत अनलाफुल असेंबली को डिफाइन किया गया अनलाफुल असेंबली क्या है कि पाँच धारा मैं इसको रिपीट करूँ आईपीसी की धारा एक, एक के अनुसार विद्युत विरुद्ध जमाव से तात्पर्य पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों से गठित जमाओ से है जिसका उद्देश्य सरकार के सरकार के विरुद्ध कार्य करना सरकार को विधि भारत में स्थापित विधि द्वारा स्थापित सरकार को डिस्टर्ब करना और अस्थिर करने का प्रयास करना ये धारा एक में जो छः परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि जब पाँच या पाँच से अधिक लोगों के द्वारा विद द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाए उसके विरुद्ध डिसी शो किया जाए उसके विरुद्ध ओवरथ्रो उसके पावर को कम करने का प्रयास किया जाए तो ये कहा जाता है कि पाँच या पाँच से अधिक लोगों से गठित जो जमाव है वह विरुद्ध जमाव हो गया है अब ऐसे विरुद्ध जमाव को डिस्पर्स करने के लिए दो हम बल प्रयोग करते हैं एक सिविल बल प्रयोग करते हैं दूसरा सैन्य बल प्रयोग करते हैं लेकिन मैं इस सिविल बल और सैन्य बल के प्रयोग की बात करूं उससे पहले आवश्यक है कि यदि अनलाफुल असेंबली है तो क्या हम अनलाफुल असेंबली को आईपीसी की धारा 141 के पैरामीटर पर कैसे टेस्ट करें और आप सभी ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक ख भारत के प्रत्येक नागरिक को सभा एवं सम्मेलन की गारंटी प्रदान करता है भारत का प्रत्येक नागरिक सभा एवं सम्मेलन करने के माध्यम से जुलूस निकाल सकता है सभा सम्मेलन कर सकता है बसरते कि वह सभा एवं सम्मेलन शांतिपूर्ण हो जैसे ही वह सभा या सम्मेलन हिंसक होगा वैसे ही राज्य हस्तक्षेप करेगी और हस्तक्षेप करते हुए उसे उस जमाव को जो पहले विधिपूर्ण जमाव था अब अनलाफुल असम्बली हो गया है उन सभी अनलाफुल असेंबली के सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है तो मैंने बताया कि भारतीय संविधान जहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक को सभा सम्मेलन जुलूस की गारंटी प्रदान करता है वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय संविधान राज्य को भी अधिकार प्रदान करता है कि राज्य भी नागरिकों के उन अधिकारों में हस्तक्षेप उस क्षण कर सकता है जिस क्षण नागरिक अधिकारों के उपयोग से भारत की एकता और अखंडता राज्य की प्रभुता और अखंडता प्रभावित होती है राज्य की सुरक्षा संकट में होती है उसी क्षण राज्य भी नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए उस विधि विरुद्ध जमाव को उस डिस्पर्स करने के लिए बल प्रयोग कर सकता है सिविल बल प्रयोग कर सकता है और सैन्य बल प्रयोग कर सकता है अब मैंने जैसा कि बताया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वे मौलिक अधिकार भी एब्सलूट नहीं है पूर्ण नहीं है उन मौलिक अधिकारों पर भी निर्बंधन लगाने के लिए भारतीय संविधान स्वयं राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि राज्य किन किन आधारों पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकता है तो इसलिए नागरिक अधिकार और लोक अधिकार में जब गतिरोध उत्पन्न होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि लोक अधिकार को पब्लिक राइट को महत्व दिया जाएगा नागरिक अधिकार इंडिविजुअल राइट को महत्व नहीं दिया जाएगा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा एक सौ इकतालीस के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए कि जब अनलाफुल असेंबली के द्वारा कोई दंगा या बलवा किया जाता है तो उनको या जब विधव विध जमाव के सदस्यों के द्वारा उन सभी के समान उद्देश्य के अग्रसण में कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि मानव व अपराध अकेले किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो हम इसको कलेक्टिव आपराधिक मामलों में सामूहिक दायित्व का सिद्धांत भी कहते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को हम उसे सामूहिक रूप से उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं तब तो मैंने एक धारा वन फोर्टी वन जो अनलाफुल असेंबली को डिफाइन करता है सेक्शन वन फोर्टी सिक्स और वन 59 दंगा और बलवे के माध्यम से आप देखें दंगा और बलवा में भी इसी तरह से डिफरेंस है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आपस में झड़ करके लग आपस में लड़ाई करके लोक शांति भंग की जाती है दंगा बलवा जहां पर कि पांच या पांच से अधिक विद्ध बृद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा उनके समान आश समान उद्देश्य के आकर्षण में कोई अपराध किया जाए वह बलवा के अपराध के दोषी होंगे और उस बलवा को जैसे हम राइट बोलते हैं आफरे या राइट राइट को डिस्पर्स करने के लिए उस पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हम सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है अब विधविध जमाव को हटाने के लिए आदेश क्या है सीआरपीसी के अंतर्गत इसको देखें बल प्रयोग किया जा सकता है सशक्त बल प्रयोग पहला है ये बल प्रयोग सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत दिया गया है यूज ऑफ सिविल फोर्स मैंने स्लाइड पर लिखा है कि सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन सी आर पी सी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पावर शक्ति प्रदान करता है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस को सिविल बल प्रयोग की पावर देता है अब विधव जमाव के सदस्यों के द्वारा या विधि जमाव के सदस्यों पर यदि सिविल बल के माध्यम से नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो ऐसी स्थिति में धारा 130 के अंतर्गत सैन्य बल का प्रयोग किया जा सकता है अब आप देखें कि मैंने नीचे इसको लिखा है जो शर्त है एक प्रकार से यूज ऑफ सिविल फोर्स एंड यूज ऑफ आर्म फोर्स दोनों को एस और डी एम अगर सद्भावपूर्वक विधविध जमाव को तितर बितर करने के लिए अगर ऐसा आदेश देते हैं तो एस yes, या डी के उस आर्डर को मात्र इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे उससे लाफुल असेंबली का जो के सदस्य हैं वे अपनी लोकतांत्रिक मांगों को मांगने में असफल रहे मैंने आपको बताया कि जहां पर भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बुनियादी अपने लोकतांत्रिक मांगों को सभा एवं सम्मेलन के माध्यम से मांगने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है वहीं पर दूसरी तरफ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकार प्रदान करता है कि जैसे ही वह अहिंसक भीड़ हिंसक भीड़ में कन्वर्ट होती है वैसे ही उस पूरे हिंसक भीड़ को धारा एक के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बलवे के अपराध के लिए या लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप में सबके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है यदि उस विधि विध जमाव को बिना तितर बितर किए बिना डिस्पर्स किए शासन प्रशासन या समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 129 और 130 थर्टी ये पावर देती है कि उसमें सिविल बल या सैन्य बल का प्रयोग किया जा सके मैंने जैसे कि आपको बताया सैन्य बल का प्रयोग तभी किया जाएगा जब धारा एक के अंतर्गत सिविल बल प्रयोग करने से उस अपराधी या उस लाच लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका तभी हम सैन्य बल प्रयोग करेंगे सामान्यतः सैन्य बल प्रयोग पहले नहीं होता जब तक कि अनलाफुल असेंबली इतनी उग्र न हो जाए कि उससे राज्य की सुरक्षा संकट में हो जाए और ऐसी स्थिति में उस अनलाफुल असेंबली को डिस्पर्स करना आवश्यक है बिना सैन्य बल के प्रयोग से वह अनलाफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हो सकती तो ये मैंने बताया कि कितना यूज कितना मतलब कितने बल का प्रयोग कर सकता है कौन बल का प्रयोग करेगा ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया अब इसके पश्चात आप देखें लोक न्यूशन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश पब्लिक पीस ट्रैंक्लिटी मेंटेन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई धारा एक के अंतर्गत कि कोई भी स्क्रीन पर आप देखें सेक्शन 133 को अगर मैं पढ़ूं तो सीआरपीसी की धारा 133 सौ यह प्रावधानित करती है कि कोई भी एस या डी स्थानीय अधिकारिता में लोक न्यूसंस को हटाने के लिए लोक स्थान से या किसी रोजमार्ग राजमार्ग राज से लोक न्यूसंस पब्लिक न्यूसंस को हटाने के लिए आदेश दे सकता है कि एक निश्चित समय के भीतर मैंने इसको स्क्रीन पर ही लिखा है आप देखें आदेश दे सकता है कि एक निश्चित समय के भीतर एक दिन या दो दिन एक सप्ताह के भीतर स्थान खाली कर दे वरना बल, बल प्रयोग किया जा सकता है या सैन्य बल प्रयोग किया जा सकता है पब्लिक न्यूसेंस क्या होगा यह आईपीसी की धारा टू में डिफाइन किया गया है पब्लिक न्यूशंस यह सभी आप जानते होंगे कि जो पब्लिक न्यूसेंस का अपराध है यह आईपीसी की धारा 268 में दिया हुआ है तो न्यूसेंस जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट भी होता है पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस इज अ टॉर्ट एंड पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्राइम तो प्राइवेट न्यूसेंस की स्थिति में विक्टिम एग्रीव हैज राइट टू गेट कंपनसेशन पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति में जो अभियुक्त है अपराधी है उसको धारा दो के अंतर्गत यदि वह पब्लिक न्यूसेंस का दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 133 थर्टी थ्री सी आर पी सी के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए सशर्त आदेश देने की बात करता है कि पब्लिक न्यूसेंस को अगर हटाना है तो कंडीशनल आर्डर जो है वह एस डी एम एडीएम दे सकते हैं कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकारिता के भीतर पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है तो ऐसी स्थिति में किसी लोकस्थान या किसी राजमार्ग से हटाने के लिए आदेश दिया जा सकता है कि उनके वहाँ भिभड़े रहने से विद्युत जमाव के सदस्यों के बने रहने से वहाँ पर शांति भंग हो सकती है कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है तो ऐसी स्थिति में उस पब्लिक न्यूसेंस को अपराध को निवारित करने के लिए सिविल बल या आपराधिक बल सैन्य बल प्रयोग किया जा सकता है ये देख के मैंने सेक्शन टू थर्टी नाइन और इसके माध्यम से लिखने का प्रयास बताने का प्रयास किया है अब सेक्शन वन फोर्टी फोर निषेधाज्ञा की बात करता है आप सभी ये जानते होंगे कि हम प्रायः सीआरपीसी की धारा वन फोर्टी फोर जो प्राबिट्री आर्डर आप स्क्रीन पर देखें तो निषेधाज्ञा या प्रॉबिट्री आर्डर बोलते हैं कहीं कहीं पर इस पर कर्फ्यू भी बोलते हैं सीआरपीसी की धारा 144 कब लागू होगी यहाँ पे देखें मैंने इसको इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कोई भी डीएम या एसडीएम धारा 144 सौ चौवालीस के अंतर्गत अर्जेंट केसेस ऑफ डेंजर जहाँ पे ख़तरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है ऐसे खतरनाक स्थितियों से निपटने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की गई धारा एक सौ चौवालीस के अंतर्गत कि ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति अर्जेंट के साथ डेंजर में आदेश न दिया गया हो या मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो तो ऐसी स्थिति में या कोई बाधा या लोक शांति भंग होने की आशंका है तो किसी प्रकार की कोई बाधा क्रिएट की जा रही है किसी प्रकार की लोक शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है किसके द्वारा अनलाफुल असेंबली के द्वारा तो ऐसी स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूरे उस केवल सब डिवीज़न में एस डीएम को पावर दी गई है कि अपने वह सब डिवीज़न में जहां पे कि खतरनाक जहां पर तुरंत खतरे की आशंका है वहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस पूरे निषेधाज्ञा जारी करते हुए उस पूरे क्षेत्र में लोगों के आवागमन को प्रभावित कर सकता है या ऐसी स्थितियों में जो कुछ भी उचित कार्रवाई होगी अर्जेंट केस ऑफ डेंजर में वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट एस डी या डी करने के लिए धारा एक सौ में सशक्त है हम प्राय देखते हैं कि सेक्शन वन फोर्टी फोर का बहुत उपयोग होता है सीआरपीसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है सीआरपीसी का जो सेक्शन वन थर्टी है वह वन फोर्टी फोर है वह यह है कि कर्फ्यू शब्द भी यहीं से निकला हुआ है और यदि कर्फ्यू में यह आदेश दे दिया जाए किसी अधिकारी के द्वारा कि सूट एट साइट देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया जाए भीड़ इतनी हिंसक हो गई है कि वह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है या आपस में दो जातियों का संघर्ष है दो वर्ग आपस में क्लैश कर लिए तो ऐसी स्थिति में धारा एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान करती है कि जो अर्जेंट केस ऑफ डेंजर हैं तो अर्जेंट केसेज ऑफ़ डेंजर की स्थिति में कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर्फ्यू का आदेश देते हुए वहाँ पर नागरिक अधिकारों को वह वहाँ पर कटल किया जा सकता है अब यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा कि कर्फ्यू कर्फ्यू या सूट एट साइट देखते ही गोली मारने का आदेश कहाँ तक संविधान सम्मत है भारतीय संविधान की आर्टिकल इक्कीस जहाँ पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है वहीं पर अगर यह प्रावधान करता है कि किसी भी अभियुक्त को घटना स्थल पर देखते ही गोली मार देना यह निश्चित रूप से संविधान के आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन माना जाएगा कैसे संविधान के आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन माना जाएगा ट्वेंटी का उल्लंघन माना जाएगा सेक्शन ट्वेंटी संविधान के अंतर्गत जो बात की गई है वह यह है कि नो पर्सन सेल्फ बी डिप्राइब ऑफ इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ संविधान के आर्टिकल इक्कीस में जो शब्दावली का यूज किया गया वो जस्ट अभी मैंने बोला कि नो पर्सन सेल्फ बी डिप्राइव्ड ऑफ इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाई लॉ ऐसी स्थिति में जहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट अगर ये आदेश देता है कि सूट एडसाइड देखते ही गोली मार दिया जाना यह संविधान के आर्टिकल बीस और इक्कीस के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा इस बात का निर्णय केस मैं स्लाइड पर आपको दिखाऊं केस है जयंती लाल वर्सेज इरिक रेनिसन जयंती लाल वर्सेज इरिक इरिक रेनिसन इस केस में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया वह आदेश जिसमें कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया यह असंवैधानिक प्रतीत होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है और उसको हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसको वंचित कर सकते हैं अन्यथा किसी भी प्रशासन के स्विवेक से बनाया गया वह नियम कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश या निश्चित रूप से अवैध है असंवैधानिक है तो ये मैंने बताया कि धारा एक के अंतर्गत निषेधाज्ञा कैसे लागू की जाती है प्रोबेटरी आर्डर कैसे जारी किया जाता है लोकप्रिय भाषा में इसको हम कर्फ्यू बोलते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में देखने को नहीं मिलते उसमें धारा एक सौ चवालीस और सेक्शन 56 सीआरपीसी तो अब मैं समझता हूँ कि ये बात प्रोबिट्री आर्डर हो गया कर्फ्यू हम इसको लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं कर्फ्यू तो इस रूप में किसी भी एस या, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए गए निर्णय को भारत में किसी भी न्यायालय में और खास करके जब हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के समक्ष आना है तो मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में कोई भी एग्रीड पार्टी अपने अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ सकती है अब मैं ये बता रहा था कि सेक्शन 141 के मामले हैं 141 फोर्टी वन ने बताता है कि अनलाफुल असेंबली क्या है और 144 फोर्टी ये बताता है कि जो अर्जेंट केस ऑफ डेंजर हैं अर्जेंट केस ऑफ डेंजर को रोकने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया गया कि वह अर्जेंट केस ऑफ डेंजर रोकने के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट कदम उचित कदम उठा सकता है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई अनलाफुल असम्बली विधविध जमाव कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर सकती है अब ऐसे ही धारा 145 के अंतर्गत है कि जब जमीन या विवाद वाटर पानी संबंधी कोई विवाद हो तो ऐसे पान जल या जमीन संबंधी विवाद को निस्तारित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकता है तो इस तरह से मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो धारा 107 से लेकर के 116 तक के जो प्रावधान हैं वह समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक ट्रैंक्वलिटी मेंटेन करने के लिए कितने आवश्यक हैं किस मजिस्ट्रेट का ज़्यादा रोल किस मजिस्ट्रेट की ज़्यादा भूमिका है साथ ही साथ मैंने भी बताने का प्रयास किया कि धारा एक धारा एक और धारा एक के अंतर्गत एक सौ इकतालीस चौवालीस एक के अंतर्गत कैसे अनलाफुल असेंबली के द्वारा किए गए कार्य को पूरे के पूरे भीड़ पूरे के पूरे असेंबली को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है अब सेक्शन 141 के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया इसको पुनः एक बार मैं देखें सेक्शन 144 में जब बता रहा था तो इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें कि विद्रोह जमाओं जमाव को हटाने के लिए आदेश कैसा है अनलाफुल असेंबली मैंने आपको पहले ही बताया कि 141 फोर्टी वन में दिया गया और यह क्या है विधवृद्ध जमाव ऐसे जमाव को हटाने का आदेश भी भीड़ का न दिया गया हो तो ऐसे अनलाफुल असेंबली जो पांच या पांच से अधिक सदस्यों से मिलकर गठित होती है वह डीएम या एसडीएम के आदेश पर कि शांति भंग हो सकता है ऐसी स्थितियों में उस विशेष स्थान पर शांति भंग के आधार पर धारा एक 144 कर्फ्यू निषेधाज्ञा जिसको हम बोलते हैं लागू किया जा सकता है अब क्या प्रश्न है कि क्या धारा 144 की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि सेक्शन 144 फोर्टी फोर जो निषेधाज्ञा जिन राज्य जिन जगह पर लागू की गई वास्तव में वहाँ पर कोई पर्याप्त कारण नहीं थे धारा 140 लागू करने का तो 140 सौ करने की पर्याप्तता या पर्याप्तता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यह भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का विवेकी यह विवेकी शक्ति तो है लेकिन यह अनगाइडेड नहीं है अनकंट्रोल्ड नहीं है अनियंत्रित नहीं है यह नियंत्रित है इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है तो एक ये हो गया कि सिविल फोर्स और क्रिमिनल आर्म फोर्स सैन्य बल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है मैंने ये भी बताया कि ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही पावर दी गई है कि कैसे सिविल बल प्रयोग के माध्यम से या सैन्य बल प्रयोग के माध्यम से किसी हिंसक भीड़ पर काबू पाया जा सकता है अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि न्यूसेंस दोनों रूपों में पाया जाता है न्यूसेंस पब्लिक भी होता है प्राइवेट भी है टॉर्ट के अंतर्गत भी है और ये आईपीसी की धारा 268 के अंतर्गत क्राइम के रूप में भी माना जाता है तो इस स्थिति में टाइम इसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने दिन का टाइम न्यूसेंस हटाने के लिए न्यूसेंस किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों के भीड़ के द्वारा वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस न्यूसेंस को हटाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश में लिखित आदेश में समय सीमा का उल्लेख कर देता कर सकता है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 24 घंटे के भीतर अगर खाली नहीं किया गया तो सभी लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ऐसी स्थिति में लोक को न्यूसेंस से निपटने के लिए धारा एक के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि टाइम कितना होगा ये उसका डिस्क्रिप्शन है तथ्य उन परिस्थितियों के हिसाब से समय बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है इसको ध्यान में रखना है और जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइविट्री आर्डर कर्फ्यू आर्डर इसको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है और यह व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कैसे जुड़ा हुआ अधिकार है प्राइविट्री आर्डर निषेधाज्ञा जैसे कि संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक घ उन्नीस वन डी भारत के प्रत्येक नागरिक को भ्रमण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अबाध रूप से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कच्छ की रण से लेकर मेघालय सिक्किम तक निर्बाध रूप से भ्रमण करेगा भ्रमण की स्वतंत्रता होगी परंतु यह भ्रमण की स्वतंत्रता भी एब्सलूट राइट right नहीं है यह भ्रमण की स्वतंत्रता यदि पांच या पांच से अधिक लोगों के द्वारा किसी ऐसे स्थान पर भ्रमण किया जा रहा है जहाँ पर कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है तो लोग शांति भंग होने की आशंका में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है कि ये लोग अनलाफुल असम्बली का सदस्य होते हुए विधविध जमा का सदस्य होते हुए ये शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे इसलिए इस आधार पर इनको गिरफ़्तार किया गया और यदि गिरफ्तारी की स्थिति में प्राधिकारी कोई युक्तयुक्त कारण नहीं बताती तो निश्चित रूप से ऐसी गिरफ्तारी को न्यायालय के द्वारा अवैध ठहराया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के आर्टिकल 20 और 21 व्यक्ति के जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है और किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्गत किया गया यह आदेश कि देखते ही गोली मार दिया जाए जहाँ पर देखा जाए वहीं पर गोली मार दिया जाए यह संविधान के मौलिक अधिकारों का विशेषकर जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और किसी भी देश का संविधान सभ्य समाज किसी भी देश का सभ्य समाज संविधान इस बात की अनुमति प्रदान नहीं करता कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे दी जाए कि वह अपने शक्तियों के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को मृत्युकारित कर दे तो ये बात हो गई कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रोबिट्री आर्डर निषेधाज्ञा कब लागू करेगा स्वयं सेक्शन 144 में ग्राउंड दिए गए हैं जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता हो कि उसके समक्ष विद्यमान स्थिति इतना खतरनाक है कि अगर उस मामले में हस्तक्षेप तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो यह और भयानक हो सकता है ऐसी स्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्राइविट्री ऑर्डर जारी कर सकता है जहाँ पर दो व्यक्तियों दो संप्रदायों के द्वारा हिंसक प्रयास किया जा रहा है जहाँ पर प्राय जातीय संघर्ष हो रहे हैं संप्रदायों के मध्य विवाद होने की संभावना है तो ऐसी स्थितियों में कानून कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह उस विध विध जमाव के सदस्यों को को नियंत्रित करने के लिए जो भी वैधानिक कार्रवाई सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है और भारतीय संविधान की आर्टिकल उन्नीस दो के अंतर्गत दिया गया है वह कार्रवाई करते हुए उन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है मैंने आपको बताया कि जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं नागरिकों के भ्रमण की स्वतंत्रताएं दी गई हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई हैं आज़ादी दी गई है वह संविधान के भाग तीन के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं परंतु साथ ही साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट कभी भी कभी भी किसी समय यदि ये संतुष्ट हो जाए कि ये व्यक्ति लोक शांति में भंग करेंगे लोक शांति में बाधा उत्पन्न करेंगे तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे विधविध भिद्द जमाव के सदस्यों के गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है मैंने आपको बताया कि इसमें महत्वपूर्ण जो संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभा एवं सम्मेलन आर्टिकल उन्नीस एक का सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता कैसे इस राइट को आप देखें सेक्शन 144 और संविधान की आर्टिकल मैं स्क्रीन पर ही लिख दूं कि संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक क फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दूसरा है संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक ग सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता फिर संविधान की आर्टिकल उन्नीस 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 एक सी है उन्नीस वन सी ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आर्टिकल उन्नीस नाइनटीन वन डी ये कैसे भ्रमण की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 वन डी भ्रमण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से शांति भंग होने की संभावना हो सकती है कैसे निकाले गए जलूस से शांति भंग होने की संभावना हो सकती है मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि भारत के नागरिकों को सभा सम्मेलन की गारंटी सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है वहीं पर भारतीय संविधान भारत में प्रत्येक राज्य को भी अधिकार प्रदान करता है कि राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों को निर्बंधित कर सकते हैं अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकते हैं यदि प्रत्येक नागरिक का सभा एवं सम्मेलन जुलूस निकालने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है तो राज्य का भी अधिकार राज्य को भी संविधान ने ही अधिकार दिया है कि यदि सभा सम्मेलन जुलूस निकालने से शांति भंग हो सकता है या लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकता है तो जुलूस निकालने को एक दिशा विशेष से होकर जाने का आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है आपने देखा होगा जब कभी भी आ, मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला, निकाला जाता है ताजिए का जुलूस निकाला जाता है मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है तो वह उनका प्रोसेसर निकालना वह उनका राइट हो सकता अधिकार हो सकता है लेकिन किसी दिशा विशेष से ही जाने का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है यदि वह दावा करें कि किसी विशेष किसी विशेष रास्ते से जाने का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट है वह राष्ट्रीय राजमार्ग में भी उस कार्य को संपादित करेंगे जुलूस निकालेंगे तो वह एक प्रकार से पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा और लोक न्यूसेंस के लिए जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है तो जुलूस निकालने का अधिकार फंडामेंटल राइट है नागरिकों का लेकिन किसी दिशा विशेष से जुलूस ले जाने का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट नहीं है उस अधिकार में हस्तक्षेप किया जा सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जुलूस निकालने के समय सीमा को समय को किस तारीख को निकालना है इस बात का भी लाइसेंस दे सकता है और बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा निकाले गए जुलूस या किए गए सभा सम्मेलन से यदि शांति भंग होने की आशंका है लोक न्यूसेंस होने की आशंका है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को या उनके अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है नियंत्रित किया जा सकता है ये सर्वथा यह सर्वथा उचित है संविधान सम्मत है क्योंकि स्वयं देश की सर्वोच्च विधि संविधान ही राज्य को यह पावर दिया है कि राज्य जब कभी व्यक्तिगत अधिकार और लोक अधिकार में क्लैश उत्पन्न हो विरोध उत्पन्न हो तो लोक अधिकार को वरीयता देते हुए उस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए राज्य इस लोक निशंस के आधार पर पब्लिक पीस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए लोगों के सभा सम्मेलन करने के जुलूस निकालने के अधिकार को काट छाट कर सकता है कंट्रोल कर सकता है तो मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति सभा करे सम्मेलन करे ये उसका मौलिक अधिकार है लेकिन सभा सम्मेलन किसी विशिष्ट स्थान पर ही करे किसी विशिष्ट राज किसी स्पेसिफिक मार्ग पर ही करेगा ये उसका क्लेम नहीं हो सकता है राज्य को लगता है यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि आवागमन बाधित होगा पब्लिक न्यूसेंस होगा इससे लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होगी लोगों के शांति में शांति भंग होगा तो इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को राज्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनुमति प्रदान करने से मना कर सकता है और सभा सम्मेलन करने से वहाँ पे बल प्रयोग करके पहले सिविल बल प्रयोग करेगा डिस्पर्स होने के लिए अगर सिविल बल से वो डिस्पर्स नहीं होते तो वहाँ पे सैन्य बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को जो पहले लाफुल असेंबली थी अब चूंकि अनलाफुल असेंबली हो गई है तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए डिस्पर्स करने के लिए बल प्रयोग करने का आदेश दे सकता है बल प्रयोग की सीमा क्या होगी ये मैंने आपको धारा 129, 130 के अंतर्गत सीआरपीसी में बता दिया कि सिविल बल प्रयोग कब होगा और शैन बल कब प्रयोग होगा ये दोनों सेक्शन वन ट्वेंटी में दिया हुआ है तो हमें देखना है कि जो हमने आपको सेक्शन वन ज़ीरो सेवन से लेकर के वन सिक्सटीन तक और धारा एक सौ चवालीस जिसको हम निषेधाज्ञा कर्फी बोलते हैं इसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक आर्डर मेंटेन करने के लिए कितनी पावर दी गई है और नागरिकों को अपनी सभा सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं लिबर्टी दी गई हैं फ्रीडम दी गई हैं आर्टिकल उन्नीस एक ख के अंतर्गत उन नागरिक स्वतंत्रताओं और लोक अधिकार में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए इसका मैंने आपको ज्वलंत उदाहरण सीआरपीसी की धारा 144 के माध्यम से संविधान के आर्टिकल उन्नीस ए क ख घ के, के माध्यम से ग मैंने इसलिए नहीं बोला कि ग दूसरी बात है आर्टिकल नाइनटीन वन डी के, के माध्यम से भ्रमण की स्वतंत्रता है भा, भाषण या व्यक्त की स्वतंत्रता है ये कैसे सामंजस्य स्थापित करता है प्रशासन कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसको मैंने विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस पूरे व्याख्यान से आपको धारा 107 से लेकर के 116 सो तक के प्रावधान जो पीस कीपिंग प्रोविज़न है कि सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभू बंधपत्र निष्पादित करना कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और सेक्शन 129, ट्वेंटी धारा एक तो तो के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस को रेगुलेट करने के लिए उसको नियंत्रित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर फिर धारा एक के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के लिए अर्जेंट सिचुएशंस अर्जेंट डेंजर से निपटने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार स्वतंत्रताओं एक कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कैसे एक दूसरे में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करते हुए हम नागरिक के अधिकारों की भी संरक्षा कर सकते हैं और संविधान में परिलक्षित जो स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्रताएं हैं उनको भी हम मेंटेन संतुलन बनाए रखते हुए राज्य के आ, सभी लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे सामाजिक शांति बनी रहे लोक व्यवस्था बनी रहे यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों को इन प्रावधानों के अंतर्गत पूर्त करता है तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि स्टैचूट्री प्रोविजन सीआरपीसी में क्या क्या दिए गए हैं कार्यपालक स्टेट को संविधान के अंतर्गत नागरिकों को क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और उच्चतम न्यायालय के इस पर क्या कुछ निर्णय हैं इसके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग निषेधाज्ञा से संबंधित और मजिस्ट्रेट के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए जो संबंधित प्रावधान हैं आप सभी इसको स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ इस विश्वास के साथ कि इस व्याख्यान में जो कुछ भी बातें की गई निश्चित रूप से आपको लाभान्वित होंगी आप उससे लाभान्वित होंगे इसी शब्द के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद